उज्जैन से साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने रिटायर्ड बुजुर्ग से करीब 2,55,00,000 रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए उनके खिलाफ पॉर्न और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज करने की बात कही। इससे घबराकर माधवनगर निवासी ने धीरे धीरे कर इतनी बड़ी रकम साइबर अपराधियों के हवाले कर दी। अब उन्हें ठगी का एहसास जब हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी और इसके बाद मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर ठगों की तलाश में जुटी हुई है। डिजिटल अरेस्ट का मामला थाना माधवनगर अंतर्गत आया है, जिसमें श्री कुलकर्णी जी हैं। ये करीब 76 साल के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से रिटायर्ड हैं, माधवनगर में निवासरत हैं। इनको 11 से 13 तारीख के बीच में कुछ लोगों का व्हाट्सएप पर फ़ोन आया, जिसमें इनको अवगत कराया गया कि तिलक नगर महाराष्ट्र में कुछ पॉन कंटेंट से रिलेटेड मामले दर्ज हुए हैं, जहाँ पर इनका भी नाम आया है, और उनको फर्जी सीबीआई का अफसर बनकर इनसे करीब 2,55,00,000 का ट्रांजैक्शन इस दौरान कराया गया। इसके बाद इन्होंने हमसे रिपोर्ट करी तो उसमें जितने खाते थे हमने सभी को होल्ड करा दिया गया। कुछ खाते अलग अलग प्रदेशों के इसमें आए हैं, जिसमें हमारी साइबर टीम काम कर रही है। इसमें माधवनगर थाने में एक धोखाधड़ी की एफआईआर भी दर्ज की गई है।